अपने लीडर की तारीफ करनी चाहिए मगर खौफे खुदा भी करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांदियों की हुकूमत पर तीरंदाजी, बोले पार्लियामेंट को बेवकूफ कर दिया गया है, कोई भी वजारत हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं। सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, लाखड़ा पावर हाउस से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, इस पर रिपोर्ट भी तैयार है लेकिन कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। अपने लीडर की तारीफ करनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? जो हमने मुंतखब करके यहाँ जिस शख्सियत ने भेजा है उसका तज़किरा क्यों नहीं करेंगे? उसके लिए मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करेंगे? लेकिन कुछ खौफे खुदा भी करें। हाँ, न पार्लियामेंट को अहमियत मिलती है, न पार्लियामेंट के का हिस्सा जो इदारे बनाए गए हैं पार्लियामेंट और आइन के तहत, न उनको अहमियत दी जाती है। स्टैंडिंग कमेटी का तो अजीब व गरीब माहौल है, मैं वो उसकी बात नहीं करता, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटियाँ रिपोर्ट दे देती हैं उनसे लातअल्लुक होना मिनिस्ट्री का और हुकूमत का और जवाब तक नहीं देना। एक मामूली सी सवाल हमने पूछा है टूरिज्म के हवाले से, वो कोई मिनिस्ट्री इस पर तवज्जो देने के तैयार नहीं है। सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग है कि एक सस्ती बिजली पैदा कर सकता है लाखड़ा पावर हाउस कोयले पर, और कोयला भी वहाँ, मजदूर भी वहाँ, तो क्यों उस पर तवज्जो नहीं है? बिलाखिर उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है जो हुकूमत को अमल दरामद करना है और हुकूमत ने आज तक नहीं बताया। टोटली पावर हाउस के पीछे पड़ गए। अब एक चलता फिरता पावर प्लांट है, कामयाबी से चल रहा है, क्यों उसके पीछे पड़ गए? मैं बार बार किसी शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक शख्सियत है मिनिस्ट्री में जो चाहते हैं जाल बूझ कर वो सिंध के इन दो बड़े मंसूबों को बेचना चाहते हैं, नाकाम बनाना चाहते हैं। तवज्जो क्यों नहीं की जाती?